फाइनली हमें कॉल आ गई। किस चीज़ की कॉल वो आपको हम बताते हैं। हाँ जी, तो ये है जी हमारा टूटा हुआ शीशा। पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। दो घंटे लग गए। दिल सब खिला रहे हैं, मैं खिला रहा हूँ। भाई आप खिला रहे हो, मैं क्यों खिला? मैं खिला रहा हूँ। है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंदन वाले। तो जी फाइनली हमें कॉल आ गई। किस चीज़ की कॉल वो आपको हम बताते हैं। दिल साहब सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। दिल को सोए हुए उठाया। जी आपको पता होगा, लास्ट मंथ हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी हमारी की विंड स्क्रीन टूट गई थी। तो महीना डेढ़ हो गया, हम लोग कोशिश कर रहे थे इंश्योरेंस वालों से, हर यहाँ पे तो इंश्योरेंस के थ्रू होता है सब कुछ, तो लेकिन उनको हमारी गाड़ी का जो मॉडल है उसकी विंड स्क्रीन मिल नहीं रही थी। पता नहीं आप जापान से मंगवाई या कहाँ से, लेकिन लास्ट टाइम आई थी, अपॉइंटमेंट बनी हुई थी, लेकिन वो गलत आ गई तो वो कैंसिल करनी पड़ी। फिर हम हॉलीडेज़ पे चले गए, तो अब फाइनली मुझे कॉल आई है, तो हम लोग जा रहे हैं विंड स्क्रीन रिपेयर करवाने, नई डलवाने। तो उससे पहले आपको एक दफ़ा नज़ारा करवाएंगे टूटी हुई विंड स्क्रीन का, लेकिन हमें लेट हो रहा है तो पहले हम लोग पहुँचे, फिर वहाँ पे चल के बाकी बातें करते हैं। हाँ जी, तो ये है जी हमारा टूटा हुआ शीशा, और ये जो सामने खड़ी है ऑटो विंड स्क्रीन वालों की वैन, हम उनके वेयर हाउस के बाहर या जो भी वर्कशॉप है उसके बाहर खड़े हैं। अभी हमसे पहले एक गाड़ी है, वो हो रही है रिपेयर, तो उसके बाद हमारा नंबर है, तो चलें हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, आप लोग भी हमारे साथ इंतज़ार करें। ले जी गाड़ी तो अंदर वर्कशॉप में जा चुकी है। हमारा इरादा था कि अंदर का वीडियो बनाएंगे उसको चेंज करते हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं, तो अगर आप लोगों ने वीडियो बनाया यूट्यूब पे लगाया तो शायद हम ट्रबल में ना आ जाएं, क्योंकि ये सारा ओबियसली इंश्योरेंस के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए हम लोग अंदर का वीडियो नहीं बना सके। तो लेकिन चलें, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ जी, तो गाड़ी हमारी रिपेयर हो गई, बड़ा कमाल हो गया। क्यों जी दिल साहब? जी दो घंटे लग गए। तो आपको पहले पीछे से वैसे दिखाते हैं, फिर क्या बात है। हमने यहाँ पे वो वर्कशॉप वाले ने हमें वीडियो नहीं बनाने दी, तो इसलिए फिर हम अब इधर पार्किंग लॉट में ये लाइट के नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं जी। हाँ जी, तो अब डिसाइड ये हुआ है, गाड़ी रिपेयर होने की खुशी में हम लोग सबवे खाने जा रहे हैं। दिल साहब खिला रहे हैं, मैं खिला रहा हूँ। भाई आप खिला रहे हो, मैं क्यों खिला? मैं खिला रहा हूँ। है गाड़ी देख भी थी, सॉरी गाड़ी आ गई थी, दिल साहब के ऊपर से गुजर जाने लगी थी, तो इंटरप्ट हो गया। तो चलें अभी चलते हैं हम सबवे खाने, और एज यूजल मैं ही खिला रहा हूँ। तो थैंक यू। यो वेलकम। हाँ जी, तो हमने सबवे ले लिया, अब खाएंगे घर जाके खाएंगे, क्योंकि तो बेगम इंतज़ार कर रही है, और लकीली जब सबवे बिजी ना हो ना तो तब आपको बेस्ट सैंडविच मिलता है, क्योंकि बिजी टाइम में जो है ना वो आपको बस जान छुड़ाते हैं। तो चलें जी, किधर गया थी? आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जी, ये आप देख रहे होंगे इतनी सारी बोतलें, पाकिस्तानी ज़बान में बोतलें कहते हैं, तो ये हमने इतनी क्यों ली, इनकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हॉल में हमें पाउंड शॉप, पाउंड लैंड नज़र आ गई। पाउंड लैंड वालों की एक जो अच्छी चीज़ लगती है
वो ये है कि वो जो पेप्सी सेल करते हैं ना, ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जीबी का लोगो बना हुआ है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया से यानी यूरोप से ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से ज़्यादातर ना, तो वो टेस्ट में और वैसे भी उनमें इतना फिज़ नहीं होता, गैस नहीं होती ज़्यादा, और पीने में भी ऐसे मीठा पानी। तो जो जीबी लोगो वाली ड्रिंक होगी ना, जो कि यहाँ पे यहाँ तो बड़ी सुपरमार्केट से यहाँ बड़ी रेयर आपको मिलती है, और उसका टेस्ट ही डिफरेंट है। जो यूके से मुझे लोग देख रहे हैं, अगर वो जानते हो इस बात को, अगर नहीं जानते तो ट्राई करके देखिएगा जीबी वाली कोक का या पेप्सी का और या कोई भी ड्रिंक है पेप्सी से रिलेट, पेप्सी सेवन अप या उनका, अगर आप जीबी लोगो वाले ड्रिंक पियोगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट आएगा और मज़ेदार टेस्ट आएगा, ये सिर्फ पीने वाले लोग ही जानते हैं। ठीक है सारे बंदे, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बताना है ये मुझे चाचू चाचू वहां पे लेके पेप्सी पीना है, ये इतना सारा पेप्सी से लेके वो फिनिश भी नहीं कर सकता है। वो सारे ड्रिंक किया बट अब वो दादी के ऊपर ब्लेम कर ले। चाचू ये क्या करता है, ये से लाइक करता है, ये चीज उसने ट्रू बताना पे मुझे पता चल सकता है, फिर मैं उसके दादू बता सकता है, फिर उसके दादू मान जाता। बट इफ चाचू ऐसे लाइक कर लेता भाई दादू को बताए वो उसको क्या, चाचू ने क्या लाइक किया था, उसने ये सारा चीजें लेके आ पेप्सी बॉटल्स, बट वो डैडी के ऊपर ब्लेम कर लो, डैडी ने नहीं लिया। डैडी तो पेप्सी पीते ही नहीं, डैडी तो पेप्सी पीते रहे, तो चाचू पीते हैं पेप्सी। चाचू मैंने ये नहीं कहा कि डैडी चाचू ये आपके पापा पेप्सी पीते हैं, मैंने कहा लेके वो आए हैं क्योंकि चाचू के पास मनी नहीं था तो डैडी ने पे किया था उधर तो, लेकिन डैडी यू नो चाचू ने बाय किया था ना, चाचू ने डैडी को आस किया था कि बाय कर दे वो, ये बट वो स्टिल पेप्सी पीता तो। अच्छा जी, आप लोगों को एक राज की बात बताते हैं जी, राज की नहीं रिकॉर्ड की, कि मेरी ये जो बेटी है इसने आज तक कोई भी फिजी ड्रिंक नहीं पिया, पेप्सी सेवन अप मरिंडा टैंगो, इसने अपनी लाइफ में जब से ये पैदा हुई है इसने कभी भी ये ड्रिंक नहीं पिया और इसको पसंद भी नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो इसके चाचू हैं वो उसको इतना ही पसंद, चाचू को तो 10 लीटर पेप्सी दी जाए वो एक दिन में पी जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, चाचू को पीने दो ना, कोई बात नहीं। वो बहुत ज्यादा पीता है, मुझे पता नहीं उसका हेल्थ ऐसे, वो एक दिन उसको बोलेंगे न्यू फिंग आ गया अब स्टार्ट करेंगे डाइट। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया तो ठीक है फिर। हाँ जी, तो आज की वीडियो इतनी ही, मज़ीद बातें नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर बोरिंग हो जाता है। तो जी फाइनली हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन फिक्स हो गई और इस खुशी में हमने सबवे भी खा लिया, और हरीम को पेप्सी से बहुत नफरत है, तो इसलिए वो जब उसके चाचू पेप्सी पीते हैं तो वो उन्हें समझाती है कि आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छी नहीं है, तो लेकिन तेज़ तेज़ बोलती है इसलिए आधी बातें समझ आती हैं आधी नहीं समझ आती। तो अगर आपको कोई बात नहीं उसकी समझ आई होगी तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रही थी। तो चलें, अपना सब ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे अगले ब्लॉग का इंतज़ार करें, आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।